मसलन हमारी हमारी डे टू डे लाइफ में आप देखिए कि सास बहू का कभी कभी ऐसा होता है कि सास के साथ जो जुल्म हुआ होता है, और वो अगर अगर अच्छी इंसान ना हो, पस्त हो, तो वो दिल में रख 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 के जब बहू आती है तो कहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा कर रही हूँ, वो अपने सारे बदले ले रही होती है। ये पस्त लोगों की अलामत है, ये बहुत बड़ी पस्ती है कि जब उसको कुदरत मिलती है, जब हर चीज़ उसके हाथ में आ जाती है, तो वो कुदरत जब मिल जाए, ताकत जब मिल जाए, देखिए शबे यानी पेट भर गया से मुराद ये कि अब उसको मिल गया है, जब उसको मिल जाता है तो वो बदले लेना शुरू कर देता है, क्योंकि लईम पस्त जो है वो सब कुछ इसी दुनिया में देख रहा होता है। कितना बड़ा दर्स है इसमें, अल्लाह अकबर। और पता है ये सारी सिफात, ये हसीन क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ सकती है जितना हम खुदाई बने। हम इस दुनिया में आए ही इसीलिए ताकि इलाही बन जाए, ताकि करीम रब करीम के दस्तरखान पर बैठकर करीमाना सिफात को अप्लाई करने की कोशिश करता है तो वो बदले लेना शुरू ले रही होती है। आपको कुछ समझने लगता है थोड़ा सा, और जैसे ही वो मुश्किल दूर हो जाए, दुआ है, नज़र है, नियाज है, बहुत मुअद्दब है। हम लोग, कुरान ने बहुत कहा है, हमारे साथ भी ये होता है, जिस